मेरा पूरा टोटल 3 नंबर वार्ड बहुत अशांति में, हम लोग का पूरा टॉर्चर हो जा रहा है, पुलिस का टॉर्चर। मेरा नाम वीना भट्टाचार्य जी है। ये जो बिना मतलब का हम लोग को जो रात के समय में बहुत कोई हमारे यहाँ लड़के घर में रात को सो भी नहीं रहे, डर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोले सुलभ चलवाना। आज आम ये मंदिर रे जोटी झंडा को लेकिन समस्या थिला, झंडा लगी परिवेश शांत भी अच्छी, कौन सी गंडगोल आम देखापी पार्ना। एवं जिते झंडा लगला गत 14 तारीख रे परवर्त बजार आउ गोटे अशांति तैयारी जो थे कि लोक पुलिस तरफ प्रशासन तरफ आरेस्ट करदि किए दोषी होते आरेस्ट करमर कौन आपत्ति ना, कि राजनीतिकरण ना जदि क्या आरेस्ट करा जी दोषी नहीं ताकू जदि आरेस्ट करा निश्चित भाव में दुखदायक घटना। आम जब शांति बजाय रखा तो पुलिस प्रशासन समस्त को न्याय देवा कथा, जदि जन को आम न्याय देवा आउ जन को अन्यायी प्रसवित देवा, अर्थात तो 10 तारीख में जदि भी झंडा लगे भी किसी असुविधा ही ना, 24 घंटा जो डेरी कर दिगला ताफल गोटे अशांति करने गोटे परिस्थिति खराब करने गोटे बाट का दिगला। तो जहाँ भी हो मु निश्चित भाव में उभय मुसलमान संप्रदायर आम हिंदू संप्रदायर भाई भौनी मानको मु निवेदन करी एठी भाईचारार सहर हिसाब से जुड़ा सहर प्रसिद्धि लाभ करूँ, आगामी दिन में एभरी अघटन न घटू से आम आज एवं एसपी को भेटू जिलापा भेटू। ए कथा मो मन नुहे, समस्त मन रे प्रश्न जे कहाँ इंगित एभली घटना मान घटू, एभली माने हिंदू धर्मर लोक मान राति अधिया उठे निशाड़ीन भाषा गाड़ी गुलज कर प्रशासनिक व्यवस्था एवं सरकार आड़क आंगुड़ी निर्देश करुच्ची, तेना सरकार चुपचाप न रही ए घटना को आखि न बुझी ए घटना सठिक तदंत करतु, जो मैंने प्रकृत दोषी से मानको आरेस्ट करंतु, किंतु निरीह लोक मानको आरेस्ट करी तांको थर्ड डिग्री दबार कोनोसी अधिकार नाही बोली मु भाबुची। ए ए जेहेतु एहा एक संवेदनशील घटना आ विषय रे आहुरी तर्जमा करिवार अछि।